आज कई दिन में यहाँ पर आए, बीच में कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आज गाजीपुर बॉर्डर पे आए हरियाणा की मीटिंग करके। तो कल फिर मीटिंग रहेगी हरियाणा में करनाल, 25 तारीख की, 26 तारीख की विकास नगर देहरादून में आ जाएगी, फिर 27 तारीख की दौसा राजस्थान, और 27 की यहाँ पे हो जाएगी दौसा राजस्थान आ जाएगा 27 में। ये कई प्रोग्राम हैं, 28 को यहीं रहेंगे गाजीपुर में, 28 और 29 को। तो पूरे देश भर में प्रोग्राम चल रहे, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में मीटिंग दे रहे, तो कोविड के नाम पे रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र सरकार का चल गया है। अब जैसे महाराष्ट्र में मीटिंग दी तो कोविड लगा दिए, वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिए, तो एक बड़ा षड्यंत्र ये किसानों के साथ में चलेगा। तो इसको देखना है कि जहाँ जहाँ पे भी मीटिंग लगाएंगे, खास करके मध्य प्रदेश में या दूसरे स्टेट में जहाँ पे भी लगाएंगे तो वहाँ पर रोकेंगे। कर्नाटक में गए तो वहाँ पे कह दिया जी, भड़काऊ भाषण दिया वहाँ पे, मतलब अगर ट्रैक्टर पे बम्पर की बात कर दी तो भड़काऊ भाषण की बात करी। ठीक साहब, आज आप जो है लगभग 8 दिन का दौरा करके उड़ीसा, राजस्थान और तमाम जगह कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। आज करीब 4 दिन बाद कर्नाटक के शिवमोगा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुकदमे में ये कहा कि आपने ये कहा कि बेंगलोर को दिल्ली बनाना होगा और ट्रैक्टरों से बेंगलोर घेर लो, तो क्या सरकार जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना चाहती है? हाँ, यही काम चल रहे सरकारों के भाई, काम नहीं करेंगे तो दिल्ली तो घेरना पड़ेगा, हर राजधानी को दिल्ली बनाना पड़ेगा, वहाँ का किसान निकलेगा। हमने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी फसल मंडी के बाहर बेचो और ऊंचे दाम पर बेचो, और MSP थी है और रहेगी, तो अपना अनाज लेकर किसान निकलेगा मंडी में, तो MSP पर रेट नहीं है, तो जहाँ पे भी मिलेगा, वो हो सके कि पुलिस के थाने में बिक जाए, हो सके कि वो DM के ऑफिस में मिले रेट, तो वहाँ खड़ा करेंगे, सरकार का रेट है, अपना फसल लेकर जाएगा किसान, हो सके कि वो अगर कर्नाटक के लोग होंगे तो बेंगलुरु की राजधानी लेकर जाए, विधानसभा लेकर जाए, तो जाना तो पड़ेगा, किसानों को निकलना पड़ेगा। किसान को कोविड के नाम पर रोकने की सरकार कोशिश करेगी, तो किसानों से ये है कि कोविड तो एक बहाना है, रोकना किसान है उनको। ठीक है, नहीं सवाल इस बात का है कि जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी देश में है और आप जो है सरकार के निशाने पर हो, और आपके निशाने पर सरकार का हो या आपकी मांग का हो, एक ही बात है, लेकिन एक छोटी सी लाइन बोल देने से मुकदमा हो जाता है। लेकिन देखने में ये आया कि कर्नाटक में प्रोफेसर नजुंडा स्वामी के बाद टिकैत साहब ने जब एक आंदोलन शुरू किया, जो वर्ल्ड लेवल का आंदोलन था, पहली मीटिंग 1996 में जो है बेंगलोर में उसकी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वहाँ शुरुआत हुई थी, तो इस तरह की रैलियाँ उस जमाने में हुआ करती थी। 3 दिन आपके कार्यक्रम रहे, काफ़ी जनता निकल आई, भाषा की प्रॉब्लम है फिर भी तमाम लोग देखने के लिए निकल रहे, तो क्या पूरे देश में किसान आंदोलन एक मजबूत स्तंभ बन चुका है आपके नजर में? बन गया, अब भाषा का विवाद नहीं रहा, भाव से आंदोलन चलेंगे। भाव क्या है किसान का? भाव ये है कि आंदोलन छिड़ गया और वो एक मिनट में समझ आता है। अभी फिर जा रही 31 तारीख का, फिर कर्नाटक का ही है, बेलगांव में वहाँ रहेंगे प्रोग्राम, हुगली बेलगांव इस साइड में रहेंगे, और बड़े दिक्कत में है वहाँ का किसान भी, पूरे साउथ का किसान दिक्कत में है। तो अब तो किसानों को निकल जाना चाहिए। 2021 का जो साल है वो किसान आंदोलन का साल है, वो मजदूरों के आंदोलन का साल है, वो रेलवे के कर्मचारी निकले, बैंकिंग वाले निकले, LIC वाले निकले, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग निकले, इन सबको निकलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नौकरियां 2021 और 22 में चल जाएगा, और ये तो सेल पर लगा हुआ है भारत, एक भारत तो बिकाऊ है। अब ये हालात होगी कि अब नॉट फॉर सेल नहीं, अब तो ओनली फॉर सेल हो गया कि आपको आना है भारत को, किसी भी उससे खरीद लो। एक बड़ा सवाल ये है कि 2 कार्यक्रम आपके मध्य प्रदेश के लगे थे, 11 और 12, उदयपुरा और खातेगांव। भाजपा की सरकार है राज्य में,
जो मीटिंग आपके मध्य प्रदेश में हुई, जिस तरह से भीड़ उमड़ी, श्योपुर की जो बैठक हुई और जो पंचायतें हुई आपकी, रीवा में जो मीटिंग हुई वो अपने आप में एक ऐतिहासिक थी। तो सरकार ने जो है वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी और कोविड प्रोटोकॉल की बात कहते हुए वहाँ पे कर्फ्यू लगाने की बात है। ऐसा ही महाराष्ट्र में किया गया और ऐसे ही हालात करीब करीब गुजरात में बनाए जा रहे। तो ये सरकार जो है कोविड, बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री जी की हो रही, वहाँ पे कोविड पे कोई सवाल नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो किसान जहाँ पे मीटिंग करेगा कोविड का नाम लेके उनको बैन करेंगे, और ये तो आर पार होनी है। इससे तो कोविड लगेगा तो पूरे देश में ये कोविड के नाम पे कर्फ्यू लगाओगे। लेकिन ये गलत फहमी में सरकार ना रहे कि कोविड लगाएगा धरने खत्म हो जाएंगे हमारे। हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे और आम किसान भी उस चीज के लिए तैयार रहे। सोशल डिस्टेंस का हमने अपनी झोपड़ी अलग अलग बना दी और लंबे बना देंगे, धरने खत्म नहीं होंगे। गलत फहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दियो, कोविड लग जाओ यहाँ, ये सारे में कोरोना फैल जाओ, यहाँ से ना धरने खत्म होंगे दिल्ली के चारों तरफ से, ये धरने बादस्तूर जारी रहेंगे जब पूरा देश का कर्फ्यू हट जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वास्तव में कोरोना है? एक तरफ तो प्रचार होता है कि वैक्सीन आ गई और उसके बाद कर्फ्यू लगाया जाता है, तो इंटेलेक्चुअल्स लोग एक भी सवाल उठा रहे हैं कि या तो कोरोना नकली है या वैक्सीन नकली है। तो क्या कोरोना को राजनीतिक हथियार के रूप में जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा, उससे निपटने के लिए आखिर रणनीति कैसे तय करें? आंदोलन नहीं, आंदोलन जहाँ उनकी सरकारें हैं किसानों को निकलने नहीं दे रहे, दूसरी जगह तो हो जाएगा, नहीं निकलने देंगे दूसरी जगह हो जाएगा। तो क्या होगा? एक बड़ा सवाल ये है कि एक आपका ट्विटर बड़ा ट्रेंड कर रहा है आज पूरा दिन होगा और बहुत उसको रिट्वीट किया जा रहा, वो कल का आपका एक भाषण है जयपुर की मीटिंग से कही गई एक बात है, 2 मिनट का वो वीडियो है और वीडियो में कहा गया कि बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे, अगर फसलें नहीं बिकती तो हम संसद पे फसल बेचेंगे और बैरिकेड दोबारा तोड़ने पड़ेंगे। तो वो बयान जो है आपका बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या 26 जैसी घटना दोहराना चाहते हैं इस तरह की, तो उसका बयान का भाव क्या था? ये कहा है कि राजस्थान से लोग लेकर चलो बॉर्डर पे, वहां पर रोकेंगे तो वहां का पुलिस प्रशासन सरकार खरीद ले हरियाणा की। नहीं तो यही तो कहा प्रधानमंत्री ने, ये तो कहा नहीं कि भाई पार्लियामेंट पे नहीं बिके, हमें तो ये लगे कि पार्लियामेंट पे बढ़िया रेट पे बिकेगा तो क्यों रोकेगा कोई उसको, वहां बिकना तो अडानी का एक सेंटर खोल दो वहां पे, उसमें जो भारत सरकार का रेट है उस पर खरीद कर लो फसलों की। अडानी के सेंटर तो सब जगह खुल ही रहे, वहां खुल जाए या उनके रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर खुल जाए सेंटर, तो कहीं ना कहीं तो खोलने पड़ेंगे ना सरकार को। नहीं आपने एक नाम लिया अडानी, एक जमाना था जब नारा ये लगता था देश में कि टाटा बिरला की जागीर नहीं हिंदुस्तान हमारा है। उस समय एक दौर आया था जब 49% का निवेश किया जा रहा था कॉरपोरेट के द्वारा, आज तो कोई 70% खरीद लो, 80 खरीद लो, 90 खरीद लो। तो प्रधानमंत्री जी का एक बयान कल ही आया है कि मैं निजीकरण से पीछे नहीं हटूंगा, तो ऐसे में तो ये लंबी लड़ाई का सवाल है, तो फिर किस तरह से देखते हैं? हाँ लंबी लड़ाई चली जाएगी, तो जाएगी नवंबर दिसंबर तक जाएगी। नहीं प्रधानमंत्री के बयान से तो ऐसा लगता है जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो हटने वाला नहीं, तो ये तो लंबा और भी लंबा हो सकता है। हाँ कितना भी लंबा चलेगा लंबा, क्योंकि हटे नहीं, बहुत सीटें आ रही, हटे नहीं अभी। अच्छा मुकदमे के बारे में क्या कहेंगे आप? मुकदमे तो लगेंगे, मुकदमे आंदोलन होगा तो मुकदमे तो लगेंगे, मुकदमे तो और किस पर लगा, मुकदमे होते रहेंगे, मुकदमे जिस आंदोलन में कई मुकदमे आपके ऊपर हो चुके हैं तो ये चलते रहेंगे। एक सवाल लास्ट का सवाल ये है कि 26 तारीख में चक्का जाम है और बहुत सारी चीजें हैं, तो चक्का जाम की तैयारी पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? उसमें व्यापारी से भी बात करो, ट्रांसपोर्टरों से भी उसमें बात हुई है और उस दिन ना चला हुए निजी वाहन है वे हैं, उन्हें भी ये है कि भाई घर से ना निकले एक दिन का लिया सहयोग करे, नहीं तो सरकार किस दिन कर दे तो 3-3 महीने लोग को इन्हें पूरे कर्फ्यू लगा के रखे, तो एक दिन के जो किसान आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, जो गरीबों का आंदोलन है, इसमें सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, नहीं तो आएंगे वे जाम में फंसे रहेंगे, घर से निकलेंगे तो उस दिन को अवॉइड करना चाहिए सबको। और दुकानदारों से भी है कि वो भी अपना संस्थान बंद रखे, नहीं तो एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे और पूरा का पूरा शहर बर्बाद होगा, तो ये लड़ाई उनकी भी है दुकानदारों की भी, सबको इसमें मदद करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, जैसे आपने अभी एक और नया सवाल उठा दिया कि मॉल आएंगे बर्बाद होंगे, पहले अपनी किराना की दुकान होती थी
उसके बाद मॉल आया तो अपनी दुकान खत्म होगी, और मॉल के बाद आया अमेजन और फ्लिपकार्ट। आज जो है ई कॉमर्स कंपनियां अपनी दुकान बना दी एडवर्टाइज के माध्यम से, तो इसका जो प्रभाव है वो रोजगार पे बहुत पड़ रहा है, तो इसके बारे में भी आप अवेयर कर रहे हैं सबको, कर रहे हैं कि इस तरह के भी आएंगे। जो एक दुकानदार था वो 100 लोगों को उधार सामान देता था, अब वो सिस्टम पूरा खत्म होगा। और जो ये कंपनियां ई मार्केट के माध्यम से भेजती है तो उसमें सामान भी आधा नकली भी सामान आवे, उसके वो नहीं देख सकते कि क्वालिटीज की क्या है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इस आंदोलन का हिस्सा सबको बनना चाहिए। तो जिस तरह से आपका ये इतना लंबा सफ़र उड़ीसा कर्नाटका और कर्नाटका के बाद फिर इधर राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, तो तमाम देश के आप विभिन्न हिस्सों में मीटिंगें कर चुके हैं, तो देश का आंदोलन एक आज मजबूत स्थिति में है, लेकिन काम के समय को देखते हुए एक प्रचार दो दिन से एक पार्टी द्वारा शुरू किया गया है कि बॉर्डर खाली हो रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, तो ये किस तरह की आपकी रणनीति है, किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है, किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा अंतिम? ये तो आंदोलन जारी रहेगा, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा फसल कटाई का, लोग फसल कटाई करते रहेंगे और यहाँ पाते रहेंगे। ये अपने जो राजस्थान वाली बेल्ट है पहले कटिंग आ जाएगी, ये लोग आते रहेंगे, फिर आगे को बढ़ता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपने एक पंचायत में एक बयान दिया था कि दलितों का सम्मान करना चाहिए, सफाई कर्मी नहीं होंगे तो देश गंदा हो जाएगा, आप अपने घर में भी नहीं रह सकते, तो उसका एक इम्पैक्ट आया कि हरियाणा में दलित पंचायत हुई, किसानों के समर्थन में दलित पंचायत हुई, आपका भी समय मांगा गया लेकिन आपके पास समय नहीं था। तो ये जो सोशल हारमोनी का काम है, जिस तरह से इस आंदोलन ने गुजर और मीणा को जोड़ने का काम किया, मतलब हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम किया, हिंदू और सिख को जोड़ने का काम किया, साउथ में जो है गोड़ा और नॉन गोड़ा की जो एक लड़ाई थी वो सब एक मंच पर आ गए, तो जिस तरह से सोशल हारमोनी स्थापित की है आपने, तो दलित भी अब आप इससे जुड़ रहे हैं, तो ये उन आंदोलन की उपलब्धि मानते हैं। दलित तो सारे तो दलित है, जो खेत में काम करता है, गाँव में रहता है, किसी भी जाति का वो दलित ही तो है जो खेती में काम करता है, उसकी कोई अलग वो थोड़ा है, वो मजदूर भी वही काम करे, किसान भी करे, उसकी जाति वो हो सकती है लेकिन काम तो उसका वही है ना, खेती में मिट्टी में उसमें करना, तो दलित ही है सारे। और जहाँ तक बाल्मीक समाज की बात है, बाल्मीक समाज अगर ना हो, बाल्मीक समाज की पूजा की बात करी कि बाल्मीक समाज, हम भी तो कहते हैं कि बाल्मीक हो गया सुबह ही सुबह, तो आज का दिन शुभ हो गया, तो उसकी कहावत यही तो है कि ये पूरे समाज को सुधारने का सफाई अभियान करता है। अगर बाल्मीक समाज ना हो तो पूरे के पूरे घर कितना ही बड़ा महल बनवा लो, अगर ये समाज नहीं होगा तो अपने ही महल में आदमी उसमें जाता नहीं, तो सबसे पहली पूजा तो यही की होनी चाहिए, यही तो हमने कहा। नहीं तो इसका असर ये है कि आज इस आंदोलन में दलित भी खड़ा है, तो ये जो इस तरह की आपकी सोशल हारमोनी की बात है, तो मतलब आपने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया है, तो अब एक फिर इसको धर्म पर उस पर किया जा रहा है, ये सरकार की साजिश हो सकती है। आपने बात की, समय दिया, धन्यवाद। आखिरी में आप और कोई संदेश अगर देना चाहते हैं? संदेश ये है कि आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, नौजवानों के लिए खास करके, और जितना युवा है, जितना किसान है, जो भी लोग हैं वे आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। उनको नौकरी नहीं, अपने खेत से ही उनको रोजगार तलाश करने पड़ेंगे, गांव से ही रोजगार तलाश करने पड़ेंगे, यही हमारा ये है कि इस आंदोलन में के शुरुआती दौर में और पहले से भी आपके साथ होता रहा है, एक सरकार के पास एक हथियार होता था नजरबंद। इस आंदोलन जब ये शुरू किया तो बहुत किसानों को जो है घर पे पुलिस बैठा दी, नजरबंद कर दिए, निकलने नहीं दिए गए। अब इसका प्रयोग किसानों ने करना शुरू कर दिया, तो ये आंदोलन मतलब अब बहुत सारे लोग घरों में कैद हैं, एक विशेष पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे, तो किसान अब इतना मतलब इतना सुदृढ़ और मजबूत हो गया कि वो इस तरह के प्रयोग भी कर रहा है, तो इससे प्रयोग करेगा किसान सारे, उनको अभी नहीं, जब आ जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें आने में, फिर क्वेश्चन करना शुरू करेगा, उनसे भी मिलेंगे, वो वोट मांगेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, जैसे बंगाल में हो रहा, वो चावल मांगते हैं, वो उसकी कीमत मांगते हैं, तो ये होगा, अपने सवाल उठाएंगे। एक दिन वो भी आएगा कि महिला, अगला जो मूवमेंट होगा किसी भी दिन का, वो महिला सिलेंडर लेकर बैठेगी सड़कों के ऊपर। अच्छा बस आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कानून रोक दिए गए लेकिन कहीं भी डीनोटिफिकेशन नहीं हुआ, आज भी कानून लागू है, तो क्या अपील करेंगे आप, कोई पत्र लिखाएंगे सरकार को? नहीं, हम तो मानते ही नहीं, सब सरकार अपने उस पर ही नहीं,
अगर हम उनको चिट्ठी लिखेंगे तो ये कहेंगे कि इन्होंने मान ली ये बात। मतलब एक ये रणनीति है, और इसको आप सार्वजनिक करेंगे आगे सभाओं में कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी भारत सरकार पालन नहीं कर रही है, आगे इसका आप प्रचार प्रसार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान क्रांति गेट यूपी गाजीपुर दिल्ली से आप पूरा ये सारी चीजें देख रहे हैं, और रात के 12 बज रहे हैं अभी, अभी पूरा प्रोग्राम चला हुआ है यहाँ पे और चलता रहेगा। धन्यवाद पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।